सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और राधे राधे एवरीवन। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान का भक्त के प्रति प्यार संपूर्ण रूप से झलकता है। तो कहानी उस तरह से है, एक बार एक साहूकार होता है और उसके यहाँ पर एक बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनमें से एक साहूकार के पास आता है और कहता है कि साहब, मेरे को 5 दिन की छुट्टी चाहिए, बिकॉज मैं जगन्नाथ जी जाना चाहता हूँ, जगन्नाथपुरी मंदिर जाना चाहता हूँ। तो साहूकार बहुत खुशी खुशी उसे छुट्टी दे देता है, क्योंकि वो उसका बहुत लॉयल वर्कर है और बहुत समय से वो किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गया है। वह 5 दिन उसे लगने थे जाने आने और 2 दिन पुरी में घूमने के लिए, तो वो उसको छुट्टी का परमिशन दे देता है। साथ में साहूकार उसे कहता है कि ये 100 रुपये लीजिए और जब आप दर्शन करेंगे तो मेरी तरफ से पूरी भगवान जी को ये चढ़ा दीजिएगा। सो साहूकार का जो चिगला होता है वो छुट्टियों की तरफ निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है पुरी में, तो देखता है, जब भी पुरी में भीषण गर्मी होती है जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, तो वो देखता है कि बहुत सारे भक्त हैं जो प्यासे हैं और सेवा में लगे हैं। उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वो इन पैसों से पानी खरीद कर जितने भी भक्त हैं, जितनों को भी वो पिला सकता है वो पिला देता है। तो वो क्या करता है, 100 में से 98 रुपये 98 रुपीज़ का पानी खरीदता है और जितने भी भक्तजनों को वो पानी पिला सकता था वो पिला देता है, और 2 रुपये ये सोच के रखता है अपने पास कि जब वो भगवान के दर्शन करेगा तो वो पैसे भगवान जी को सेठ जी की तरफ से चढ़ा देगा। और इस तरह से उसका जो भाव आया है मन में सेवा का वो भी हो जाएगा और साहूकार के सारे पैसे वो चढ़ा चुका है, क्योंकि साहूकार जब पूछेंगे कि मैंने चढ़ाया तो वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि उसने मंदिर में ही दर्शन किया है। ऐसा सोचकर जो चेला होता है वो अपना जल चढ़ाता है, लोगों को पिलाता है और 2 रुपये जब पूरी भगवान के दर्शन करता है तो हाथ जोड़कर साहूकार की तरफ से उसे उन्हें चढ़ा देता है। अब क्या होता है, हमारे पुरी जो है भगवान जी जगन्नाथ जी, वो बहुत ही लीला करने वाले प्रभु कहे जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जो साहूकार का चेला है वैसे चढ़ा कर विनती करके कि भगवान ये मैं 2 रुपये साहूकार की तरफ से चढ़ा रहा हूँ और 98 रुपये का मैंने प्रसाद रूपी जल लोगों को पिला दिया है, आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना, उसी समय साहूकार को वो दर्शन देते हैं नींद में, सपने में। कहते हैं कि बेटा, तेरे 98 रुपये मेरे पास पहुँच गए और मैंने स्वीकार कर लिए 98 रुपये, और ऐसा सपना साहूकार को आता है। अब साहूकार सपना देखने के बाद खुश तो होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये मेरा इतना ईमानदार चेला होने के बावजूद इसने कभी किसी भी पैसों की हेरफेर नहीं करी और आज ये पहली बार किसी तीर्थ यात्रा पे गया है और इसने 2 रुपये का क्यों झोल किया। ऐसा सोच रहा था साहूकार, तभी सामने से देखता है कि उसका चेला खुशी खुशी प्रसाद लेके अपने वर्क प्लेस में एंट्री करता है। तो साहूकार उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो चढ़ा दिए? तो जैसा चेले ने डिसाइड किया था कि हाँ मैंने चढ़ा दिए, तो उसने बोला कि पर प्रभु ने मुझे दर्शन करके बताया कि 98 रुपीज़ 98 रुपये उन्हें मिले, बाकी 2 का क्या किया? तो चेला सोच में पड़ गया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं जब गया तो मैंने देखा, उसने सारा बताया कि लोग प्यासे थे तो मुझे लगा मैं पिला देता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा साहूकार जी, बट मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने कर दिया और मुझे पता नहीं था कि मेरे आने से पहले वो आपको बता देंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता, पर आपको पहले से पता था। तो ऐसा बोल के उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो साहूकार था वो हंसने लगा और उसके पैरों में पड़ गया। कह रहा वो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से घर बैठे बैठे मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए और उन्होंने मेरे 98 रुपये एक्सेप्ट किए और 2 रुपये नहीं किए, क्योंकि 98 रुपये तुमने उनके भक्तों की सेवा में यूज़ किए और 2 रुपये तुमने भगवान जी के दान पात्र में चढ़ाए, तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अगली बार जब भी जाओगे मुझे भी साथ लेते जाना, मैं भी प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर साहूकार ने अपने चेले को गले लगाया पैर छूने के बाद और वो अपने काम पर लग गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वेन जब आप, मतलब कहानी का जो सार है वो ये है कि जब हम किसी मंदिर में या किसी भी ऐसे स्थल पर जाते हैं जहाँ हम
कुछ भी अच्छा कर सकें, तो बहुत दान करके अच्छा बनने की बजाय हम अगर हम अच्छा व्यवहार किसी से के साथ करते हैं और प्रभु से ज़्यादा प्रभु के भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो प्रभु उस भक्त का ध्यान सबसे ज़्यादा रखते हैं जो उनके भक्तों का ध्यान रखते हैं। सो आज के बाद जब भी मंदिर जाएं, किसी भी ज़रूरतमंद को देखें या कुछ भी ऐसा देखें जहां आपको लगे कि जो पैसे आप चढ़ाने वाले हो वो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव ला सके, तो प्लीज़ उन्हें बदलाव के लिए इस्तेमाल करें चढ़ाने की बजाय। क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे पैसे चढ़ाओ, वो हमारी श्रद्धा है। मैं मना भी नहीं कर रही कि आपको नहीं चढ़ानी चाहिए, बट अगर उससे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है कि भक्तों के काम आए, तो प्लीज़ कीजिए। और अगली कहानी के साथ मैं शीघ्र ही आप लोगों को मिलूंगी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। और राधे राधे एवरीवन।